अभी के भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए और सारे लेटेस्ट अपडेट पाइए। हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं अपना ज्ञान टीवी चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास वोडाफोन जियो या एयरटेल का सिम कार्ड है तो गाइस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गाइस ये वीडियो आपको पूरा एंड तक फॉलो करना है। अगर आप ये वीडियो अगर आधे पे ही छोड़ के चले जाओगे तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो गाइस आपको वीडियो पूरा एंड तक फॉलो करोगे तभी आपको क्लियर स्टेप समझ में आ जाएगा गाइस कि मैं आज क्या करने वाला हूँ और आपको कौन सी सेटिंग करके बताने वाला हूँ कि जिससे आपका जो पबजी का पिंग इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस पूरा वीडियो एंड तक फॉलो करना तभी समझ में आएगा। जो गाइस जैसे हम बहुत लोग जो पबजी खेलते हैं उनमें लैग थोड़ा नज़र आता है, जब भी फ्रेम ड्रॉप देखने बहुत मिलती है। तो गाइस अगर ये सेटिंग कर लोगे आप तो आपको जो फ्रेम ड्रॉप्स है और लैग फिक्स वो पूरा प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा और उसको ऑल पे कर देना है कि सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लोगों के जो कमेंट आ रहे थे भाई, मुझे बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि बोल रहे थे भाई मुझे जो पबजी खेलते वक्त मुझे फ्रेम ड्रॉप देखने बहुत मिलता है, जो हमारा लैग हो रहा है उस पर कुछ वीडियो बनाओ। तो गाइस उन्हीं सभी लोगों के लिए, उन्हीं सब भाइयों लोगों के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। गाइस ये पूरा अगर वीडियो आप एंड तक फॉलो करोगे तब आपको समझ में आएगा, अगर आप इसको आधे पे छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। गाइस तो आपको सिंपल सी जो मैं कुछ बातें बताऊंगा उसे फॉलो करना है। अगर उन बातों को सभी बातों को अगर आप फॉलो करोगे तब जाके आपका जो पबजी का प्रॉब्लम है आपका वो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस आपको सिंपली मैं बताता हूँ, आपको जो सेटिंग इधर दिख रहा होगा सेटिंग, या अगर आपके मोबाइल की जो सेटिंग होगी उसे ओपन करना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है नेटवर्क, ठीक है गाइस। नेटवर्क सर्च करने के बाद कुछ नेटवर्क में इस तरीके का आएगा और सेकेंड पर लिखा रहेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, ठीक है गाइस। तो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में क्लिक करना है। जैसे अभी देख सकते हो मेरा वोडाफोन है, ये चीज़ किसी किसी में वर्क करके मैं बता देता हूँ। वोडाफोन, जियो और एयरटेल, ये तीन जो भी तीन सिम कार्ड्स हैं उनमें ये चीज़ बहुत ही अच्छी वर्क करने वाली है गाइस। तो आपको पूरा एंड तक फॉलो करना है और जैसे ही मैंने अभी सिम कार्ड नेटवर्क सर्च मारने के बाद आपको सिम कार्ड में जाना है सेकेंड ऑप्शन पर, आपको वोडाफोन पर क्लिक करना है। जैसे वोडाफोन में मैंने क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा है यूज़ ओल्टी, इसे बंद करके चालू कर देना है गाइस, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको सिंपल सा एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, देख सकते हो BAGT, या आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा गाइस, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर लेना। लेकिन मैं इसको बताता हूँ आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है गाइस। आपको BAGT ओपन करना है और ये कुछ परमिशन मांगेगा, इसे आपको एक्सेस दे देनी है, अलाउ कर देना है गाइस, ठीक है। ओके कर देते हैं हम लोग। और इसमें आपको ग्राफिक क्वालिटी पूछेगा, ग्राफिक क्वालिटी वो डिपेंड करता है कि आप कि मतलब आपका जो मोबाइल है आपका, जैसे हमारा जो फ़ोन है रेडमी नोट 8 है, तो हमारा जो फ़ोन है वो कितना जो ग्राफिक क्वालिटी है वो सह सकता है। तो अभी स्मूथ बैलेंस HDR लिखा है तो हम बैलेंस कर देते गाइज, और शेडो क्वालिटी नन रखते हैं और रिजोल्यूशन भी मीडियम कर देते गाइज। और जो कलर स्टाइल है मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है कलरफुल, बहुत लोगों को रियलिस्टिक में भी बहुत अच्छा लगता है तो मैं कलरफुल कर लेता हूँ। और जो फ्रेम रेट है, मैं फ्रेम रेट की जो बात कर रहा था गाइस, बहुत लोग बोल रहे थे हमें फ्रेम ड्रॉप मिलता है। अगर गाइस अगर आपको फ्रेम ड्रॉप मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 40 FPS ही रखिए, क्योंकि मैं भी 40 FPS ही रखता हूँ, क्योंकि जो हमारा डिवाइस है वो बहुत ही स्लो डिवाइस है, उतना भी फास्ट नहीं है। तो गाइस आपको 40 FPS पे रखना है गाइस, तो जो आपका फ्रेम ड्रॉप है वो बहुत क्लियर दिखने मिल जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है अगर 40 FPS पे रखोगे तो। फिर इसके बाद आपको लाइट इफेक्ट पूछेगा, लाइट इफेक्ट जो आपको देना है नॉन लाइन मीडियम, आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस जो आपका डिवाइस जैसा हो उसके ऊपर। जैसे अभी हम मीडियम कर देते, ठीक है। साउंड क्वालिटी जैसी रखनी है, लो हाई अल्ट्रा, तो हम लो रख देते कि हमें ज़्यादा साउंड का तो उतना कुछ काम नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ को आपको सिंपली यहाँ से अप्लाई कर देना है। अगर अप्लाई करोगे तो जो आपका ये जो सेटिंग है ये पबजी पे अप्लाई हो जाएगा। और फिर यहाँ आपको लिख के आएगा ऑप्शन रन गेम का गाइस, ठीक है। सॉरी गाइज, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट का साउंड आ गया इसके लिए। फिर आपको यहाँ रन गेम करना है सिंपली और इधर अप्लाई कर देना है, ठीक है गाइज। अप्लाई करने के बाद जो हमारा पबजी देख सकते हो गाइज स्टार्ट हो चुका है। जो पबजी हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं, तो मैं ज़्यादा देर आपको तो खेल के दिखाऊंगा नहीं, लेकिन जो बहुत लोग बोल रहे थे कि जो लैग हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको सब इसमें सारा कुछ मतलब सॉल्व हो जाएगा गाइज। अगर ये चीज़ करोगे, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है गाइज, जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है सब सॉल्व हो जाएगी।
फटाफट देख सकते हो प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड जो हमारा पबजी स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो गाइस। और इससे आपका जो पबजी है वो भी काफ़ी स्मूथ चलेगा, देख सकते हो कितना फ्रेम ड्रॉप भी हमें देखने नहीं मिल रहा है, देख सकते हो गाइस। तो अगर अभी तो मैं गेम तो खेल नहीं सकता, अगर गाइस गेम खेलने बैठ जाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसे हम लोग कट करते हैं गाइस। और आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने डिवाइस में, अगर आपके पास वोडाफोन जियो है या एयरटेल का सिम कार्ड हो गाइस, ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करके देखना। अगर ये अगर वर्क किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर आपके कोई सवाल और सुझाव है तो कमेंट करके पूछ लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।